मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली के जामा मस्जिद में गुरुवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब एमसीडी की एक टीम मस्जिद परिसर में मौजूद पार्क में बुलडोजर लेकर पहुंच गई। एमसीडी टीम ने दावा किया कि उसके पास कोर्ट का आदेश है और वह पार्क में बनाए गए एक कमरे को गिराने के लिए आई है, मगर एमसीडी का बुलडोजर कमरे पर चलता उससे पहले ही जामा मस्जिद और पार्क के बीच में बनी दीवार पर ही बुलडोजर चल गया। इस खबर के सामने आने के बाद इमाम बुखारी ने माइक से ऐलान कर दिया कि वह एमसीडी की टीम पर भड़क गए हैं और इमाम बुखारी के ऐलान के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जमा हो गए। जामा मस्जिद पर लोगों की संख्या बढ़ने के बाद वहां पुलिस की भारी तैनाती की गई। बड़ी बात यह है कि यह दीवार ठीक उसी जगह पर बनी थी जहां पिछले जुमे के रोज़ सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। एमसीडी और शाही इमाम के मुताबिक जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में अब माहौल शांत है और एमसीडी की टीम एक अवैध कमरे को तोड़ने के लिए यहाँ पहुँची थी और वह कमरा जामा मस्जिद के दीवार से बिल्कुल लग कर था। अचानक से इस दीवार पर कार्रवाई हो गई जिसके बाद एमसीडी की बुलडोजर टीम का विरोध प्रदर्शन का सामना यहां पर करना पड़ा। हालांकि इस मामले पर शाही इमाम ने एमसीडी के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की जिस पर एमसीडी की तरफ से यह कहा गया है कि इस दीवार को वो बनाकर देगी। इसके बाद माहौल पूरी तरह से शांत हो गया है। फिलहाल पुलिस टीम मौके पर मौजूद थी।